बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखें और दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज हम अपने एक दोस्त के बाग में आए हुए हैं, तो काफ़ी बड़ा ये बाग है। तो अभी तो फ़िलहाल जिस रास्ते से हम आए हैं मिट्टी काफ़ी थी। इनसे पूछा कैसे आए हैं, बहुत जलील हो गया है। तो इनको मैं साथ लेकर आया हूँ, अब्बा जी भी मेरे साथ हैं। तो अभी सिर्फ मुँह हाथ धोने के लिए जा रहे हैं टूवेल पे, पहले मुँह हाथ धोएंगे फिर अंदर फिरेंगे। ये जिनका बाग है वो मेरा दोस्त है, उनसे भी कुछ बात करेंगे हम। सभी मुँह हाथ धोया, कुछ सुकून हुआ। तो ये बाग आम का और लीची का इकट्ठा ही है। तो बस हम सैर करने के मूड से निकले थे, तो मज़ेदार है ना। खानी है आपने ये वाली, कभी खाई है? खाती हो नहीं पता नहीं, ये बताएंगे किस किस ने खाई है। ये देखें, ये माशाल्लाह लीची के पौधे हैं, कैसे भरे हुए हैं। इधर भी लीची है, ये दरमियान में आम का पौधा लगा हुआ है आगे। तो खाने में काफ़ी मज़ेदार होती है, बहुत शौक से खाते हैं। गर्म भी होती है? पता नहीं गर्म का। तो अब्बा जी तो पीछे ही बैठे हैं, हम सिर्फ घूमने के लिए इधर निकले थे। तो हमारा जो साथ दोस्त है जिसका ये बाग है वो भी साथ आने लगा था, लेकिन अब वो अभी अब्बा जी के पास है, तो अभी उससे भी मिलेंगे। मिल के तो आए हैं सी मुसलसल, जो आपको वीडियो में दिखाएंगे, वीडियो में दिखाएंगे और बात भी करेंगे उसके साथ बाग के हवाले से। ब्लॉग हो गया सारा। फड़ी तू भी अंदर आए, मिठी मिठी तोड़ना देख के। मिठी है काफी मजे की है, ये खाने में भी खट्टी मिठी सी होती है। अब इसको खा के दिखाओ। खा के दिखाऊं? पहले खोलो, खोलो टिकट सुना थी खा रहा है। ये अभी जलील होने की बात कर रहे थे, जलील ऐसे हुए हैं रोड पे। रोड पे को जो ये दोस्त, हम पहली बार इधर आए हैं, तो दोस्त ने हमें जो रास्ता समझाया था, ये ठीक है? हाँ ठीक है। तो जो दोस्त ने रास्ता समझाया था, हमें उसकी लगता है समझ नहीं आई है, उसके समझाने में कुछ गलती हुई है। तो हम काफ़ी लंबा सफ़र दूसरी साइड पर निकल गए थे, फिर उधर से पता चला है कि ये इधर ये इलाका नहीं है। तो फिर इससे दोबारा रब्ता किया है, फिर इसने दोबारा समझाया हमें, तो काफ़ी मुश्किल हुई है। तकरीबन 5-6 किलोमीटर का जो सफ़र था हमारा वो गलत हुआ है। तो फिर हम इधर पहुँचे हैं, तो जाने में तंगी नहीं होगी क्यों, रास्ते का पता चल गया है। जी हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, जिनका ये बाग है जिस बाग में हम आए हैं। तो इनसे हम पूछेंगे ये बाग कितनी ज़मीन है जिसमें ये बाग मुकम्मल इन्होंने लिया हुआ है। ये भाई बाग है 30 एकड़ में है, तो ये हमें 1 करोड़ में मिला हुआ है। इसमें सब कुछ मौजूद है, आलू बुखारा, खुमानी, उसके बाद लीची, आम। ये वाली लीची है? हाँ ये लीची है, लीची इसने बार बार दिखानी है आपको। ये साइड पे खड़ा है। तो प्रॉफिट कितनी हो जाती है इसमें? या ये तो हिसाब से होता है ना, कि रेट के हिसाब से, अगर रेट अच्छा लग गया तो 1 करोड़ का लिया हुआ है तो 50 लाख हमें बच जाता है, इसमें प्रॉफिट होता है। अगर रेट ना लगे तो फिर तो नुकसान ही होता है। तो ये हमारे बचपन के दोस्त हैं, तकरीबन इकट्ठे पढ़ते रहे हम। हाँ बिल्कुल। तो हमारे अब्बा जी के ये शागिर्द हैं, उनके पास इन्होंने पढ़ा है, तो साथ रहे हैं काफ़ी टाइम, हमारा साथ गुजरा है। तो काफ़ी अरसे के बाद हमारी दोबारा मुलाकात हुई है, कितने साल के बाद? 3 साल। हाँ 3 साल के बाद दोबारा मुलाकात हुई है हमारी। ये चीकू का पौधा है, ये चीकू लगे हुए हैं, ये देखें अभी कम लगा हुआ है चीकू इसको। कितने के पौधे हैं चीकू थे? चीकू बाग के नाल ही है, 4 दफ़ा 12 बार साफ भी चीकू। सही, ये देखें ये हाँ। पानी लाया होना? पानी लगो है उधर, चल दे दे यार छोड़ दे। ये दाना ए हम पक्का ना ले के आ गए थे, ये बिहार का पता नहीं।
बाग दिखूगा लो ही है जड़ी उधर जल्दी कोई है बहुत जल्दी पूरा फिरना तो काफी औखा हो जाना बहुत औखा अलग सी गड्डी ते फेर रहे थी। अच्छा हाँ। नहीं तो मालक ने फिर के की करना होने एक बार देता ने काफी टाइम हमने वहाँ गुजारा है पास किया हमने तो अभी हम सिर्फ वापसी की तैयारी है वापसी जा रहे हैं तो काफ़ी टाइम हो चुका था अब्बा जी को कुछ काम था तो इसलिए वापसी जल्दी होना हुआ हमारा तो वगरना कुछ टाइम हम और भी गुजारते कुछ और भी घूमते क्यों पूरा बाग हम नहीं घूम सकते हैं तो काफ़ी लंबा है काफ़ी चौड़ा है तो इसको पूरा घूमने के लिए एक गाड़ी चाहिए हमें तो इसलिए पैदल घूमना काफ़ी मुश्किल था। हम दोपहर आए हैं तकरीबन 1:30 बजे वापस घर तो काफ़ी थके हुए थे आते ही फौरी आराम किया है क्यों काफ़ी थके हुए थे कुछ भी हिम्मत नहीं थी जाते हुए कुछ भी नहीं हुआ वापसी पे जो था ना गर्मी ज़्यादा हो चुकी थी उसकी वजह से थकावट भी काफ़ी हो चुकी थी और मज़ा भी काफ़ी आया हमें। ये देखें ये मोबाइल में लगे हुए हैं इनसे पूछते हैं भाई बहुत जलील किया इसने मुझे भी यार जलील नहीं हुए इसको रास्ते का भी नहीं पता था रास्ते का सिर्फ ना पता होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई है नहीं, मजा तो वैसे वहाँ फुल आया मज़ा आया उधर फिरने का जो बाग में हम घूमे तो थकावट भी काफ़ी हुई है फिर आगे बस कपड़े चेंज किए क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा थी उधर जिसकी वजह से ज़्यादा थकावट महसूस हुई है हमें। हम वहाँ से लीची भी लेके आए थे क्यों आम अभी उतरना स्टार्ट नहीं हुआ पंजाब का अभी सिंध का आम चल रहा है तो अभी सिंध का आम चल रहा है क्यों अगर इस टाइम सिंध का जब आम चल रहा हो तो पंजाब का उतारे ना तो रेट नहीं होता है रेट बहुत कम होता है जैसे कि अभी सिंध का जो आम का रेट चल रहा है पेटी का वो है 1200 तो अगर इसी टाइम पेटी लेके जाएं मंडी में तो 600 की पेटी जाती है पंजाब की तो इसीलिए रेट नहीं होता है तो इस वजह से वो तोड़ते भी नहीं है सिर्फ लीची तोड़ रहे थे वो हम लेके आए हैं तो बाकी उनके अभी मुलाजमीन अभी कम थे क्योंकि स्टार्टिंग में इन्होंने 100 आदमी रखा हुआ है तो जैसे इनका काम ज़्यादा होगा तो मुलाजमीन भी इनके बढ़ेंगे तकरीबन 250 तक जाता है मैंने उनसे मुकम्मल पूछा था तो फी मुलाजम की तनख्वाह जो होती है इनका महीना होता है तकरीबन 18,000 से 20,000 से स्टार्टिंग शुरू होती है और 25,000 से 28,000 तक इनकी आखिरी स्टेज होती है तनख्वाह देने की। तो बस अभी थोड़ा सा भाई का माहौल देखने के लिए फिर दोबारा निकले थे असर के बाद तो इन्होंने थोड़ा सा लेट कर दी क्योंकि ये चारा लेने के लिए गए थे अभी देखा मोबाइल में कैसे क्या कह रहे हो मेरे खिलाफ आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। अच्छा हाँ जी मैं ये कह रहा था कि लेट करवा दिया कोई नहीं अभी कौन सा टाइम होगा इतना तो बस अभी थोड़ा सा टाइम ही है 5-10 मिनट।